क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डीआई का क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर ए ड्यूरिंग फरवरी टू जून। जो डीलर ए है इसने फरवरी से यहां से लेकर जून तक जितने सेल किए, तो इसका हमें टोटल निकालना पड़ेगा। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, 94, 85, 108, 98 और 95। आप इसका टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आएगा आपका 480। ये फर्स्ट हो गया। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय ऑल डीलर्स इन जून। तो जून ये है, जून में सभी डीलर्स ने कितने कंप्यूटर सेल किए ये देखना पड़ेगा। तो सभी का टोटल निकालना पड़ेगा, 95, 108, 102 और 91। इसका टोटल करेंगे 396। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये कितना ज्यादा है इससे, तो 480 में 396 आप माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा 84। 84 किससे ज्यादा है? 396 से इंटू 100। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा होगा लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, ये लगभग लगभग 400 लिखा हुआ है। 396 मतलब लगभग 400 है, 100 से अगर आप इसको काटेंगे तो लगभग 4 आएगा और ये 21 आएगा। 84 काटेंगे 4 से तो 21 के आसपास सिर्फ यही ऑप्शन है, तो आपने ज्यादा उसकी क्रिटिकल में नहीं जाना ऑप्शन के, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिंपल आइडेंटिटी का। तो पहले मैं आपको इसको जनरल तरीके से बताऊंगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख लीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ और ए बी सी ये दिया हुआ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है, तो इसके लिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी जरूरत होती है, मैं वो आपको बता देता हूँ तरीका, दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 इक्वल टू, ये हमें निकालना है तो इसको हमने यूं ही लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको दिया हुआ है 3, ये हो गया। तो ये 121 में 6 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये 115 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, हमें जो निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स माइनस 3abc इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी या ए सी। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस 135, तो इसको आपने सेम ऐसे लिख दिया। बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ निकाली हुई है ये 115 माइनस ये ए बी प्लस बी सी प्लस ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं, ये उधर चल ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं पूरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 405 इक्वल्स 11 इंटू 112। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये आपका आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो
32 माइनस 405 ये आपका आ जाएगा 827, ये आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। ये इसका एक तरीका था। अब मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, इससे आपको ये डायरेक्ट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट ए प्लस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर आप इस फॉर्मूले में सीधे रख देंगे, आपको ए बी सी की वैल्यू पता है, ए प्लस बी प्लस सी की पता है, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी की पता है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पता है। अब यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज रख देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 827। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सेम डीआई का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें इसने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी, जो डीलर बी है हमारा, यानी कि ये इन अप्रैल मई एंड जून। तो देखते हैं, ये है अप्रैल मई और जून का डेटा 97, 102 और 108, इसका हम टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 307। हमने ऐड किया है 97, 102, 108, 102, 108, इसका टोटल आपका आ जाएगा 307, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर्स इन फरवरी एंड अप्रैल। तो फरवरी और अप्रैल में सभी डीलर्स ने कितना सेल किया है, तो हमें फरवरी का टोटल निकालना पड़ेगा और अप्रैल का टोटल निकालना पड़ेगा। तो फरवरी का टोटल निकालेंगे पहले, इन चारों को जोड़ेंगे, इसको 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 और इसको, तो ये आएगा 94, 96, 104 और 106, इसको आप ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 400। उसके बाद हम अगला देखते हैं अप्रैल का, 108, ये आपका अप्रैल का है, ये 108, 97, 108, 97, 99 और 96, इसका भी आप टोटल करेंगे तो भी आपका 400 आएगा। अब इन दोनों का टोटल का है, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर्स, तो 400 और 400, ये आपका टोटल 800 हो गया। और इसने पूछा है जो 307 है ये इसका कितना परसेंटेज है, तो बस 307 डिवाइड बाय 800 और परसेंटेज निकालना, तो ये हो गया, जीरो से जीरो कट गया, अब 800 से डिवाइड करेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका क्वेश्चन 14 हो गया। अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक ट्रेडर है, उसने कोई एक प्राइस जो है उसने मार्क कर रखा है, उस पे वो 18% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वो 18% का डिस्काउंट देने के बाद भी 6.6% का प्रॉफिट चाहता है। एक तो ये 18% का डिस्काउंट दे रहा है और ये 6.6 का प्रॉफिट भी चाहता है, तो कह रहा है कि वो कितना अपना जो कॉस्ट प्राइस है उससे मार्क प्राइस कितना ऊपर करे। तो हमने लेट कर लिया कि कोई ये चीज है इसमें उसने मार्क प्राइस एम कर दिया, ठीक है, और ये उसको 100 रुपए की पड़ी थी, यानी उसका कॉस्ट प्राइस ये है और उसने 100 रुपए की खरीदी उस पर एम लिख दिया। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, वो कह रहा है जो एम है इस पे 18% डिस्काउंट देगा, तो यानी कितना बचेगा, 18 अगर डिस्काउंट दे देगा तो आपका 82 बचेगा, 82% जो होगा, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100, ये हो गया 100, और इस पे इसको फायदा चाहिए 6.6, तो यानी 106.6/100, ये आपकी सीधे सी क्वेश्चन बन गई, ये 100 तो यहीं पे कट गया। और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एम इक्वल टू 106.6, 100 ऊपर जाएगा और 82 नीचे आएगा। आप इसको चार से एक बार काट लीजिएगा, वैसे ये सीधे मैं आपको बता दूं 130 आएगा। तो 100 आपने लेट किया था कॉस्ट प्राइस, आपने कॉस्ट प्राइस कितना लेट किया था 100, और आपका आंसर मार्क प्राइस कितना आ गया 130, तो कितना ऊपर मार्क किया 30%,
तो ये आपका आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अलजेब्रा से है, इसमें जरा सी ट्रिक है, अगर वो आपको आ गई तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए जो ऊपर है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ 5x है तो ये रेसिप्रोकल में 25, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर यहाँ पे किसी तरह 3x हो जाए और यहाँ 5x हो जाए तो हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 5x को अगर हमें 3x करना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये 5x है इसको हमको 3x करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस अब दोनों तरफ इक्वेशन वही कर देते हैं, तो मैं हटा देता हूँ। ये देखिए 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5x प्लस 1/3x में, और लेफ्ट साइड में किया तो राइट साइड में भी करना होगा बैलेंस करने के लिए 3/5। बस अब मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/, ये 3 से 3 कटेगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5x इक्वल्स ये आ जाएगा 20/5। ठीक है, आप कुछ नहीं इसका सिंपली आपको स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो बस ए स्क्वायर यानी 9x² प्लस बी स्क्वायर यानी 1/25x² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ए कितना है 3x, बी कितना है 1/5x, और इक्वल इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 5 का स्क्वायर बेसिकली, इसको यहाँ पे हम ऐसे ही काट देते हैं तो यह आ जाएगा 4, और इसको मैं हटा देता हूँ। और 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 16। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी तो वैल्यू आपको निकालनी है, तो बस यहाँ पे इसको सेम ऐसे लिख लेते हैं, 9x² प्लस 1/25x² प्लस ये x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, वो उधर माइनस में जाएगा, ये 6/5 इक्वल टू 16, इसकी वैल्यू निकालनी है तो बस इसको इधर कर लेते हैं और 6/5 को उधर भेज देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिक्सटीन माइनस 6/5, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, जब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 12/5, और जब इसका स्क्वायर होगा तो ये आएगा 144/25, और यहाँ पे भी आएगा 144/25, यहाँ पे भी आएगा ये 144/25। इसमें हम इजी करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये 144/25 माइनस यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 30/25, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 11/25। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 15th हो गया, सेम डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है, वॉट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाई डीलर ए इन फेब्रुवरी अप्रैल एंड मई। जो डीलर ए है उसने 3 महीने में कितना लिया, डीलर ए है और ये महीना कौन सा लिया, फरवरी अप्रैल और मई, यानी ये 94, अप्रैल 108 और मई 98। आप इन तीनों का टोटल कर दीजिएगा, इन तीनों का टोटल करेंगे तो आप आएगा 300। मैं लिख देता हूँ 94, 108 और 98, इसका टोटल आएगा 300। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाई डीलर डी, ये डीलर डी है, इसका क्या कैलकुलेट करना है, मार्च मई और जून, मार्च यानी कि ये हो गया, मई ये हो गया और जून ये हो गया, यानी 90
89 और 91, 90, 89 और 91, इसका टर्म सम करेंगे तो आएगा 270। बेसिकली तीनों 90 90 है, ये ज्यादा एक कम है तो एवरेज हो गया 270 आ गया। इसका रेशियो पूछा है तो आपको सीधा दिख रहा होगा कि ये जीरो से तो जीरो कट जाएगा और फिर ये तीन से कट जाएगा तो 10:9 आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वैल्यूज रखनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10:30, 10:30 मतलब 1/√3 इंटू cosec 60, sin 60 क्या होता है? √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 10:60 मतलब √3 और sec 30, cos 30 कितना होता है? √3/2, तो sec 30 कितना होगा? 2/√3 डिवाइड कर देंगे। sin²30, sin 30 होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दिया 1/4 प्लस cot²45, 4 cot²45, तो cot 45 वन होता है, cot²45 भी वन हो गया और 4 का मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 हो गया। माइनस sec²60, sec 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, तो sec²60 कितना होगा? तो sec 60 हो गया 2, तो ये हो गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे तो 4 से 4 पहले ही कट गया, ऊपर यहाँ पे देखते क्या है, 2 और ये हो गया 3, तो 2/3 प्लस ये 3 से ये 3 कट गया 2, और नीचे क्या बचा? सिर्फ हमारा बचा 1/4। अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 + 6/3 और ये 1/4, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये 8 हो गया, 8 × 4 = 32 और ये 3 × 1 = 3, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आपको इसमें देखिए क्या लिखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000, टाइम दिया है 2 होल 5/8, 12,000 रुपए है, टाइम दिया है 2 होल 5/8 और रेट दिया है 8%, और आप ऑप्शन देखिए कितने क्लोज ऑप्शन दिए हुए। अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन चाहता क्या है। ये क्वेश्चन चाहता है कि आप इसे कैलकुलेट करें, आप इसे बच नहीं सकते, बस ये है कि हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे जो रेट है वो 8% है, तो 2 साल तो पूरा पूरा टाइम है और फिर उसके बाद ये बचेगा 5/8, तो जो पहला साल होगा देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8%, तो इसका 8% कितना होगा? इसका 1% होगा 120, ठीक है, 8% होगा इसका 8 times, यानी 960, ये हो गया 960। दूसरा साल होगा, दूसरे साल भी पूरा ब्याज मिलेगा क्योंकि दूसरा साल भी कंप्लीट है, तो यहाँ पे भी आएगा 960, लेकिन इसका भी 5%, इसका भी 8% मिलेगा, तो इसका 8% हमें निकालना पड़ेगा। इसका 8% कितना होगा? इसका 8% निकालना पड़ेगा 96 का, तो इसका 1% कितना होगा? 9.6, और अगर 8% निकालना है तो यह आ जाएगा 76.8, तो यहाँ पे 76.8। ये जो 960 था ये 12,000 रुपये पे था, इस पे था पहले साल का, दूसरे साल पे 960 तो मिलेगा ही लेकिन पहले वाले साल पे ब्याज मिलेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं ये इधर से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन। अब जो तीसरा साल है, अब इसको ध्यान से समझिए, रेट कितना है आपका? 8%, लेकिन हमारे पास साल कितना है? 5/8, तो यहाँ पे ब्याज जो लगेगा सिर्फ 5% ही लगेगा, तो 5% निकालना है किसका? 12,000, 12,000 का 5% कितना हुआ? 600। और उसके बाद जो ये पूरा अमाउंट है, ये टोटल, इन इस टोटल का 5% हमें निकालना पड़ेगा। 960 + 960 + 676.8 = इसका 5% हमें निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 99.84, 99.84। अब हमें इन सब का टोटल करना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा 26 96 97, बेसिकली आपका ऑप्शन आएगा 2696.9 समथिंग आएगा ऐसा आपका ऑप्शन, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कवर हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं।
sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी हुई है x बाई वाई, और साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो इसको क्वेश्चन को देख के ही आपके मन में सबसे पहला क्या अप्रोच आना चाहिए कि हमें sec और tan को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस, माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। ये आपका हो गया एक्स बाई वाई, ठीक है। अब इसका आपको एलसीएम ले लीजिए, तो यह आ जाएगा वन माइनस साइन अपॉन कॉस इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब साइन यहाँ ऊपर तो आ गया, लेकिन अभी भी एक कॉस है। कॉस साइन में तब हटेगा जब इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें पता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर देते हैं, तो वन माइनस साइन का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे तो यही आ गया वन माइनस साइन इंटू वन माइनस, यहाँ थीटा होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो है वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, और ये जो नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये बेसिकली लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ आगे हमारा सेम रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वन माइनस साइन थीटा से वन माइनस साइन थीटा कट जाएगा। अब वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, साइन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसका कराना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इधर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, तो ये वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ये आ गया, एक्स स्क्वायर इधर माइनस का आ गया, और यहाँ पे पहले से है एक्स स्क्वायर साइन थीटा, और इधर से आ गया प्लस का वाई स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ हमने साइन थीटा कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा, 20 देखते हैं, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसीडी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, एक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब होता ही है, एबीसीडी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ए बी दिया हुआ है 16.5, बीसी दिया हुआ है एक्स, सीडी दिया हुआ है 11 और AD दिया हुआ है 19.8, ठीक है। एंड BD इज बाइसेक्टेड बाय AC एट O, BD जो है एक इसका डायगोनल है और एक इसका डायगोनल है, ये O पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि X की वैल्यू क्या है, बेसिकली आपको X की वैल्यू निकालनी है, ये तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो और एक डायगनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे BD को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो क्या होगा, AB जो पहली साइड है और यहाँ इसके एडजेसेंट वाली साइड, इसका मल्टीप्लीकेशन AB इंटू BC, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आपने इसको एक बार माइंड में कर लेना। और यहाँ पे जो दूसरा वाला इसकी साइड है AD और इसके सामने वाला, तो ये आ जाएगा AD
इंटू सी डी। तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए 16.5 इंटू बी सी एक्स इक्वल टू ए डी, 19.8 इंटू सी डी की वैल्यू दिए 11, ये दिया होगा 11। यहाँ पे अब x की वैल्यू आप निकाल लीजिए 19.8 इंटू 11 अपॉन 16.5, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले तो हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ये साइन और कॉस है तो इसको किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसको हम आसानी से कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13। 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा, इक्वेशन बना रहे हैं 13 को इधर ले आते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। अब इसके इसको हम आइडेंटिकल जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इसको हम साइन चेंज कर देते हैं, 5 माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा 14 कॉस थीटा। बेसिकली हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, और यहाँ 5 और माइनस 13 ये माइनस का एड था तो अब ये प्लस का एड हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसके हमें सॉल्व करके कॉस की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 5 40 8 और 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनको प्लस करने पे 14 आए। तो 40 के ऐसे दो फैक्टर 10 और 4 होते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा, ऐड करें तो 14 आएगा। तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 5 कॉस थीटा जो है वो कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी कॉस थीटा माइनस 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉस थीटा माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 कॉस थीटा माइनस 4 और कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कॉस की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 और ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2। आपको पता है जो कॉस की वैल्यू होती है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकती, तो कॉस की वैल्यू ये हो गई। तो अब हमें इसका एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये थीटा कॉस माने बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये साइड पाइथागोरस से 3 आ गई। बस अब इसकी वैल्यू रख देते हैं सेक थीटा। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी 5/4 प्लस कॉट थीटा 3/4, कॉट थीटा क्या होता है 4/3, यह आ जाएगा 4/3 अपॉन कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/3 प्लस टेन थीटा यानी 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे 12 इसका, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 16 बाई 12, और यहाँ नीचे भी 12 एलसीएम आएगा, और ये आ जाएगा 20 प्लस 9। तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 15 प्लस 16 आपका हो जाएगा 31 अपॉन 29, तो ये आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर इसको हम एक्स वाई के टर्म्स में सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू लेट कर सकते हैं। आप वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू जीरो लेट करेंगे तो कहीं कहीं पे क्या होगा, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं जीरो लेट करूंगा वाई को तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए हम जीरो लेट नहीं कर रहे, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2 और y की वैल्यू लेट कर लेते हैं 1। तो बस हम यहाँ पे रख देंगे 2³ 8 - 1 / 2
ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 टू द 6 इंटू 1 6 डिवाइड बाई यहाँ पे 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं अभी आपको समझाने के लिए। 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 1 यानी 7 और यहाँ पे 9 में 6 या 3 टू जा 6 डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 6 डिवाइड बाई और यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 1 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 8 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1 यानी 3। अब बॉड मास के रूल देखेंगे तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 7 बाई 6 डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देंगे 9 बाई 7 और ये मल्टीप्लाई में तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ से ये 3 से 9 कट जाएगा 3 आएगा और ये 2 से इसको काट सकते हैं 4 और ये 3, 3 से फिर ये 3 कट जाएगा 4 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका ऑप्शन आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो गए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 66 मीटर। तो एक आपका कोन है, मैं ऐसे आपको यहाँ फिगर बताता हूँ, तो जो ये सर्कमफेरेंस है टेंट की, ये तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, अगर ये रेडियस आर है तो 2 पाई आर आपको दिया हुआ है, तो 2 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 22/7 दिया और आर आपको अभी पता नहीं, आर निकालना है, ये 66 दिया ठीक है, तो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 11, वो 11 से कट जाएगा तो ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 6, आर 2 से फिर से कट जाएगा ये 3, तो आर आ जाएगा आपका 21/2 रेडियस आ गया। अब इसने पूछा है व्हाट इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द कैनवस यूज इन द मेकिंग द टेंट। अच्छा हाइट दी हुई है 36 मीटर, जो इस टेंट की हाइट है ना वो दी है 36, तो बेसिकली आपको इस कोन का ना कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना कपड़ा लगा है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वो होता है पाई आर एल, और एल क्या होता है, एल होता है अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हाइट का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस रेडियस क्या दिया 21/2, तो 21 का स्क्वायर 21/2 का स्क्वायर, तो मैं फिगर हटा देता हूँ या मैं इसको आपको सॉल्व कर देता हूँ, देखते हैं ये ट्राई करते हैं इसको, तो अंडर रूट 36 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 1296, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस ये आ जाएगा 441/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे आएगा 5184 प्लस 441 डिवाइड बाई 4, ये आएगा अंडर रूट 5625 डिवाइड बाई 4, ये 5625 आपको पता होगा 75 का होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 75/2, ये आपका एल आ गया है, एल हमने निकाल लिया, अब बस पाई आर एल करना है, तो पाई यानी 22/7, एल यानी कि आर, आर यानी कि 21/2 और एल अभी आपने निकाला 75/2, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ 7 से कट जाएगा 3 आ जाएगा 2 से ये 11 हो जाएगा, लेकिन फिर आपको बाकी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है, आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये सेट थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन अब कैलकुलेटिव अगर एग्जाम में आ जाता है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं,
या तो हम छोड़ दें जो कि हम नहीं कर सकते, या तो हम इसमें सॉल्व करें, जो भी हमारा मैक्सिमम स्कोर हो सकेगा वो करें। तो नॉर्मलाइज होकर वैसे भी इसके मार्क्स जो हैं वो बाद में बढ़ जाते हैं। तो जब कैलकुलेटिव सेट आ ही गया है तो बेहतर यही है कि हम इसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है, ये है स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक जो पार्ट होता है बोट, आपको पता होगा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब बोट कैन गो, ये पूरा सेट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते। अब बोट कैन गो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 55 मिनट्स। देखिए क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का मतलब हो गया अपोजिट जा रहा है, और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब साथ में जा रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और ये है 55 मिनट्स, तो 55 मिनट्स को आपने ये लिखा 55 मिनट्स, 55/60 कर देते हैं, यार्ड्स में चेंज हो गए। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 4 अपॉन a माइनस प्लस 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 9 अपॉन a प्लस b इक्वल्स 1 घंटे 25 मिनट, तो 1 घंटे यानी 60 और 25 मिनट यानी 85/60। अब हमसे इसने पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी हमें ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। तो अगर हम ए माइनस बी हटा दें तो ए प्लस बी बच जाएगा। ए माइनस बी हटाने के लिए हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, तो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करें, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, हम इसको घटा देंगे। तो ये इक्वेशन ये 2 है सपोज, और ये है 1। तो यहाँ पर मैं नई इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 12 अपॉन a माइनस b प्लस 20 अपॉन a प्लस b। अभी मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप बस सिर्फ जरूरत का जितना उतना ही लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 220 अपॉन 60, जिसमें देखते हैं ये आ जाएगा 12 अपॉन a माइनस b प्लस 27 अपॉन a प्लस b इक्वल टू, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 255/60 आ गया। अब जो इक्वेशन 2 है, जो इक्वेशन 1 है, इसमें आप पहला टर्म देखिए कॉमन हो गया, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो हम इक्वेशन जो 2 है इसमें इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, तो कैसे माइनस करेंगे, तो ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा। अब 27 में 20 माइनस होगा तो यह आएगा 7 अपॉन a प्लस b, और 255 में 220 माइनस होगा तो आएगा 35/60, 35/60, 7 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कटेगा 12 बार। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी जो है वो आपकी 12 है, तो आपकी स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम की आपकी स्पीड आ गई। अब आपको पूछना है टाइम और डिस्टेंस दी हुई है आपको, तो बस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 43.2 और स्पीड कितनी है 12। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा पहले, तो बस यही एक ऑप्शन है, पूरा सॉल्व ही नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 24 आपका इस तरीके से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया एबीसी। अब कह रहा है इसकी जो इसमें बी दिया हुआ 68 हो गया, ये हो गया 32, इन दोनों का सम कर दो कितना हो गया 100 हो गया, तो ये कितना होगा 80, ये भी आ गया। अब ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया है, ए बी को आपने प्रोड्यूस कर दिया और ए सी को भी प्रोड्यूस कर दिया, ये डी तक आई है, ये ई तक आई है। अब कह रहे हैं इसके बाइसेक्टर बनाने हैं डी बी सी के, ये डी बी सी इसके बाइसेक्टर ऐसे बना दो और इसके बाइसेक्टर ऐसे बना दो। ये कहाँ पे मैच कर रहे हैं एफ पे, ये एफ पे मैच करवा दिया इनको। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी एफ सी, आपसे ये एंगल पूछ रहा है, तो इसका तो फॉर्मूला सीधा होता है, जब आउटसाइड बाइसेक्टर्स हों, जब बाहर बने हुए हों ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स और उनके बीच में जो एंगल होता है, तो एंगल सपोज इसको ए मान लो, एक्स लिख दिया मैंने, कोई नहीं, ठीक है, अगर एक्स हो गया तो ये आ जाएगा 90 माइनस जो ये ऊपर वाला एंगल होता है इसका हाफ, एंगल ए बाई टू, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 80/2 यानी कि 90 माइनस 40, यह आ जाएगा आपका 50 डिग्री, यह ऑप्शन थर्ड हो गया आपका। सो इस तरीके से हमने ये वाला सेट खत्म कर लिया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।